देख लो भैया कोलकाता लाउंज में एक से बढ़कर एक ऑप्शन है खाने का। लेते लेते अंडा तो लेते हैं ना। अंडा लेंगे दो दो दो। हाँ जी, तो ये पहुंच गए हैं गौतम। गौतम स्टैंड पे दो दो काउंटर है, एक वेज काउंटर है एक नॉन वेज काउंटर है। चाय का वाला काउंटर अलग से बना हुआ है, तो यहाँ पे हम लोगों ने चाय और कॉफी ऑर्डर कर दिया है। बाकी कुछ खाने का तो मन है वो एयरपोर्ट में जाके खा लेंगे, अभी मन नहीं कर रहा है ऐसा कुछ खाने का। बाकी जो यहाँ पे आइटम सब दिख रहा है, चाउमीन रोल ये सब दिख रहा है, कुछ हेल्दी खाएंगे। तो ये देख लो गौतम का चाय मस्त होता है, लेकिन यहाँ का चाय अभी पता नहीं कैसा है। ये मेरा कॉफी, ये पापेदा का चाय, भैया का चाय। भैया फाइनली एयरपोर्ट पहुंच गए हैं बड़े दिनों बाद। तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट आ गया हूं, और जब भी मैं कोलकाता एयरपोर्ट आता हूं ना, तो मुझे ये वाला जो पार्ट है ना कोलकाता एयरपोर्ट का, ये पार्ट जो आप देख रहे हैं ऊपर में जो बांग्ला में लिखा हुआ है ये सब, तो ये चीज मुझे काफी अच्छा लगता है। और फिलहाल हमारा जो है अलायंस एयर है, एकदम न्यू एयरलाइन के बारे में मुझे पता चला। और वैसे तो मैं सुन रहा हूं ये काफी पुराना है, 1996 से है, लेकिन इतने बार मैंने टिकट बुक किया कभी भी इसके बारे में मैंने सुना नहीं था, तो ये फर्स्ट टाइम मैंने इसमें टिकट बुक किया है। फिलहाल तो इसका काउंटर ही खोज रहे हैं हम लोग, काउंटर ही नहीं मिल रहा है। एयर इंडिया के काउंटर में जा रहे हैं, शायद मिल जाए। तो एयरपोर्ट में इतना घूमने के बाद अभी हमें कहीं भी अलायंस एयर दिखा नहीं। काफी लोग तो बोल रहे हैं वो एयर इंडिया के काउंटर में आपको हो जाएगा, लेकिन फिर भी यार जब तक एक कंफर्मेशन ना मिले कैसे हो सकता है। तो वही अभी हम लोग एक जगह साइड में जगह लेकर बैठ गए हैं, मेरा थोड़ा बहुत एडिटिंग बचा हुआ है वो कर लेते हैं, बाकी अभी टाइम है यार, बहुत टाइम है। हम एक तो बात बोलना चाहेंगे, अगर मान लो कोई कम पढ़ा लिखा आदमी आया, कोई असिस्ट करने वाला कोई नहीं है, ये सबसे कितना बड़ा रिस्की जगह है। इंडिगो छोड़ के आपको कोई दिखेगा ही नहीं, कोई एयरलाइन का आदमी नहीं दिख रहा है। इंडिगो के काउंटर में बस इतना भीड़ है, बाकी काउंटर सब अभी बंद है। अरे आदमी से ग्राउंड स्टाफ से पूछ रहे हैं, नहीं मालूम वो अलायंस एयर के बारे में किसी को पता ही नहीं है। फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो फंस जाएगा पूरा एकदम, फंस जाएगा। फिर भी देखो हम लोग कुछ जुगाड़ लगा लेंगे, अभी तो बहुत टाइम है। अभी कितना बजे कितना रहा है, अभी टाइम देख लो, रात का लगभग 2:30 बज रहा है, सुबह 7 बजे का हमारा फ्लाइट है, अभी बहुत टाइम है। तो एक काम करते हैं एडिटिंग कर लेते हैं। तो एयरपोर्ट के अंदर तो हम लोग आ गए हैं फाइनली, जैसा तैसा करके चेक इन करके। वो प्रोसेस तुम बता देना कैसे होता है, नहीं होता है, वो बहुत फायदेमंद है वो प्रोसेस। बस ये ध्यान रखना कि आपको आपका सिक्वेंस नंबर मिल जाए, वो 1920 ऐसा करके होता है। ऑल राइट, तो अभी हम लोग लाउंज में आ गए हैं, लाउंज तो खुला हुआ है। लाउंज देखने के बाद तो हम लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे कि चलो भाई लाउंज में जाकर आराम से बैठ के चिल मारेंगे, वीडियो वगैरह एडिट करना था वो कर लेंगे। लेकिन यहाँ आकर पता चला जो यहाँ का लाउंज है वो रात के 11:59 में बंद हो जाता है, और सुबह 4 बजे वापस से खुलेगा। तो है अभी 1.5 घंटे और। बाय द वे, आपके सिटी में जो लाउंज है वो 24 आवर्स है या नहीं ये जरूर बताना। दिल्ली का तो है, बाकी सिटीज का नहीं पता मुझे। और अगर मैं कोलकाता की बात करूँ तो हाँ, रात के 12 बजे बंद हो जाता है, 4 घंटे बाद वापस से सुबह 4 बजे खुलता है। देखते हैं थोड़ा देर बैठ करके, अभी कितना टाइम है अभी बज रहा है तुम्हारा 2 बजे और 1 घंटे, 1 घंटा बाद चले जाएंगे और 1 घंटे थोड़ा वेट कर लेते हैं। जी तो अभी वापस हम लोग ऊपर आ गए हैं क्योंकि ट्रेवल लाउंज शायद खुल गया है, खोल दिया है, लेकिन अभी फूड रेडी नहीं है, बोला फूड रेडी नहीं है, सीटिंग हो सकता। चलो जाते हैं देखते हैं क्या है क्या नहीं है सीन। और बाय द वे, अगर आप आते हो ना इधर अंदर, जैसे ही आप डिपार्चर के लिए आते हो 25 नंबर गेट के जस्ट पास में ही है, ऊपर के साइड आपको आना पड़ेगा, तो ये ट्रेवल क्लब लाउंज आपको मिल जाएगा ऊपर। हाँ जी, तो अभी हम लोग लाउंज के अंदर आ गए। सबसे पहले भाई पेट पूजा करते हैं। देख लो भैया कोलकाता लाउंज में एक से बढ़कर एक ऑप्शन है खाने का। लेते लेते अंडा तो लेते हैं ना। अंडा लेंगे दो दो दो। एक और बस बस, चिकन सॉसेजेस ये तो लेना है, लेकिन अभी जगह नहीं हो रहा है, तो बाद में ले लूंगा। ठीक है, मिक्स हर्ब्स पोटैटो, नहीं भैया ये तो फ्रूट केक है, ये टोमेटो किडनी बीन्स ये ले सकता हूँ मैं, लेकिन अभी जगह नहीं है इसलिए नहीं लूंगा। ये सत्तू पराठा है, वाह नहीं भैया फ्रेश है खाना पूरा फ्रेश। पोंगल और गर्मा गर्म अभी बना है सर, ये पोंगल है, पोंगल और ऑनियन उत्तपम, ऑनियन उत्तपम है, स्टीम इडली है, ये दे दो, एक देना, देखेंगे यार अच्छा हुआ तो दोबारा लेने आ जाएंगे। सांभर है लेकिन सांभर नहीं चाहिए। तो देख लो ये होने वाला है मेरा आज का सुबह सुबह का ब्रेकफास्ट। हाँ जी, तो लाउंज के अंदर तो हम लोग आ गए हैं और ये ले लिया है मैंने अपना ब्रेकफास्ट, काफी सिंपल ब्रेकफास्ट है। नीचे में हर जगह यहाँ पे मैं देख रहा हूँ चार्जिंग पॉइंट बना हुआ है, किसी का साइड में बना हुआ है, सामने में मैच चल रहा है, और खाने का काफी सारा ऑप्शन था मतलब काफी हद तक था। बाकी एडिटिंग थोड़ा बाकी है, अभी जल्दी से खाते हैं, अभी बहुत टाइम है, आराम से रिलैक्स करेंगे यहाँ पे। ये हमारा सेकंड टाइम हो रहा है ब्रेकफास्ट, यही तो मजे हैं लाउंज के। वैसे तो मैं कोलकाता एयरपोर्ट के लाउंज में फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन मैं बोलूँगा अच्छा है, मतलब
काफी डिसेंट सा है जैसा होना चाहिए। और खाने का जो आइटम सब भी है ना वो भी मैं बोलूंगा काफी हद तक अच्छा है। जितना भी आइटम सब मैंने अभी खाया ना वो मुझे टेस्टी लगा। अभी मैं सॉसेजेस बीन्स ये सब लेकर आया था, बहुत ही टेस्टी है। ये देख लो ये सब मैं लेकर आया था। हो गया खाना पीना हो गया। वो वाला भी एक बार नहीं जितना बार प्लेट उठा सकते उठाओ, कोई बात नहीं। मतलब अभी जैसे मान लो हमारा फ्लाइट सुबह 7 बजे तक का है, मतलब हम लोग अभी सुबह 7 बजे तक है, तो इसके बीच में हम लोग आराम करें, चाय पिए, कॉफ़ी पिए, फिर से ब्रेकफास्ट करें, कुछ भी करें, कुछ भी खाएं, कोई फ़र्क नहीं है। तो यही फ़ायदा होता है लाउंज का। पर आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे कि मोहित भाई आप लाइक कैसे ये लाउंज एक्सेस करते हो, इसके बारे में थोड़ा बता दो। तो देखो भाई सिंपल है, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और भी बहुत सारा वाउचर वगैरह भी होता है, मैं तो अपने क्रेडिट कार्ड से करता हूँ तो मुझे उसका नॉलेज है। मेरे पास वीजा का भी है, मास्टर कार्ड का भी है। एक क्रेडिट कार्ड से मतलब एक ही लोग अंदर जा सकते हैं, तो अगर आप दो लोग हो तो आपके पास दो क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। और ये मैं क्रेडिट कार्ड की बात कर रहा हूँ, बहुत सारा वाउचर वगैरह भी मिलता है वो अलग चीज़ है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है और अगर वो वीजा का है या फिर मास्टर कार्ड का है, तो आप यहाँ के काउंटर में आके अपना कार्ड दिखाओगे, वो स्वाइप करेंगे, 2 रुपया या फिर 25 रुपया जैसा कटेगा आपका। बस आप अंदर आओ, बस 2 रुपए में आराम से आप खाओ मजे में। बाकी वही है कि आपके कार्ड पे डिपेंड करता है कि आपके पास कौन से कैटेगरी का कार्ड है। मेरा 2 कार्ड है, तो जैसे कि मैंने बताया मेरा 1 कार्ड में 2 रुपए कटा जो कि मेरा वीजा कार्ड है, और एक मेरा मास्टर कार्ड है उसमें 25 रुपए कटा। और डिपेंड करता है, हर किसी का अलग अलग कार्ड होता है। फिलहाल अभी ऐसे ही बैठ के थोड़ा रिलैक्स करते हैं। हाँ जी, तो अभी टाइम देख लो कितना हो रहा है, सुबह का 6 बज रहा है और यहाँ मेरा वीडियो भी रेडी हो गया और मैंने वीडियो को भी अपलोड में लगा दिया। ऑलमोस्ट अपलोड हो ही गया, प्रोसेसिंग हो रहा है अभी। अभी भी हमारे फ्लाइट में 1 घंटे है, लगभग 1 घंटे है, तो सनलाइट भी बाहर हो चुका है। बाहर आपको कुछ खास दिख नहीं रहा होगा, गेट के पास अभी हम लोग जाएंगे तो दिखेगा। और अंदर से देख लो कुछ ऐसा है ये लाउंज, अभी तो खाली हुआ है, बीच में तो पूरा एकदम पैक हो गया था और लगभग 1 घंटे पहले हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था, तो अभी ये फ्रूट्स कुछ खाना हो रहा है। एडिटिंग वगैरह सब कुछ करने के बाद मुझे आ गया था तगड़ा वाला नींद, और वो नींद के चक्कर में भैया हो गया है 7:15। फटाफट अभी हम लोग जा रहे हैं गेट में अपने, 105 नंबर गेट है हमारा, नीचे की तरफ है। हाँ जी, तो अभी हम लोग आ गए हैं बस में, जा रहे हैं अपने फ्लाइट के पास। और बाय द वे मैं बताना भूल गया, हमारा एकदम न्यू फ्लाइट है ये। न्यू मतलब क्या, इसमें फर्स्ट टाइम मतलब ट्रैवल होने वाला है अलायंस एयरलाइन में। अंदर जाके दिखाते हैं कैसा है कैसा नहीं है। वो छोटा स्पाइस जेट वाला जो प्लेन सब होता है ना, ऐसे ही है, पैकिंग वगैरह ज्यादा है उस टाइप का ही है। तो हम लोग जैसे उठे वो 2x2 सीट है। 2x2 सीट।